आज हम डीजे में JBL की किस तरह स्पीकर की सेटिंग की जाती है, किस तरह से सीरीज किया जाता है, उसके बारे में आज आप लोग से कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्पीकर की कनेक्शन दो तरह से की जाती है, पहला पैरेलल और दूसरा सीरीज। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना पहला ऑप्शन पे जाते हैं। हम लोग का पहला ऑप्शन है पैरेलल, क्योंकि पैरेलल पे कनेक्शन करने से जो ओम होती है वो घट जाती है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं सभी कि एक स्पीकर 4 ओम का होती है। अगर हम दो स्पीकर लेते हैं 4+4 8 ओम हो जाती है, और उसे अगर पैरेलल में कनेक्शन करने से 4+4=2 ओम की हो जाती है। इससे कनेक्शन करने से जो होती है कि ओम घट जाती है। यही ये पहला ऑप्शन पैरेलल का नियम। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। हम लोग का दूसरा ऑप्शन क्या है, सीरीज। देखिए, सीरीज में कनेक्शन करने से ओम जो होती है वो बढ़ती है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक स्पीकर 4 ओम की होती है, और दूसरे स्पीकर को फिर हम लोग लेने से 4+4 8 ओम हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, हम लोग का कहना यही है कि सीरीज में कनेक्शन करने से बढ़ती है और पैरेलल में कनेक्शन करने से। अगर आप लोग को हमारे इस वीडियो से समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो इसे हमने प्रैक्टिकल करके आप लोग को समझाते हैं। ये मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए और उसे शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक कीजिए और उसके नीचे बेल आइकन बटन को। तो पहले हम दो स्पीकर बनाते हैं, 4 ओम की एक स्पीकर और दूसरे भी 4 ओम की स्पीकर। ठीक दोस्तों, 4 ओम की एक स्पीकर, 4 ओम की एक स्पीकर, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए दोस्तों, पैरेलल फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का है पैरेलल। पैरेलल किस तरह से जोड़ा जाता है, तो एक स्पीकर की माइनस को दूसरे स्पीकर की माइनस और पहला स्पीकर की प्लस से दूसरे स्पीकर की प्लस, ये इक्वल टू निकलती है 2 ओम। तो ये हमारे हो गए पैरेलल कनेक्शन। हम लोग दूसरे ऑप्शन सीरीज पे जाते हैं। देखिए, पहले हम एक स्पीकर 4 ओम की बनाते हैं और फिर दूसरे स्पीकर भी 4 ओम की बनाते हैं। पहले स्पीकर की प्लस, दूसरे स्पीकर माइनस, पहले स्पीकर की प्लस, दूसरे स्पीकर फिर माइनस। देखिए दोस्तों, पहले स्पीकर की प्लस को दूसरे स्पीकर की माइनस से और पहले स्पीकर की माइनस से दूसरे स्पीकर के प्लस को हम लोग जोड़ते हैं, इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। इससे हमारे यहाँ 8 ओम निकलती है। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो नीचे कमेंट में हम लोग को बता सकते हैं, जिसके जरिए हम नेक्स्ट वीडियो को आप लोग के सामने पूर्ण रूप से लाएंगे।